आजाद कराने में कांग्रेस की अगुवाई रही, देश बनाने में, देश बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में ही कांग्रेस की अगुवाई रही और इस देश की आजादी में हमारे गांधी परिवार की शहादत हुई है और हजारों लाखों नौजवानों में जो कांग्रेस से जुड़े थे उन सबकी शहादत हुई है हमारे देश की आजादी में। देश को बनाने में भी कांग्रेस का और नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा हो, चाहे देश में श्वेत क्रांति रही हो, हरित क्रांति रही हो, देश के निर्माण में बहुत सारी योजनाओं की बात हो, भारत में सेना, वायुसेना और जल सेना, इस सब से लेकर के देश की महत्ता में, देश को स्थापित करने में दुनिया के ऊंचाई पर कांग्रेस की ही अगुवाई का हाथ था। आज जनता फिर से चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत सारी चीजें को कुछ चीजों का वादा किया लेकिन किया कुछ नहीं, और जो किया वो देश के लिए बड़ा घातक था, यहाँ के इकॉनमी के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए। तो आज फिर से जनता फैसला कर रही है कि फिर से कांग्रेस को आना चाहिए और भाजपा को जाना चाहिए, कि कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 12%, 14%, 16% भी तक वोट बढ़ा है, तो निश्चित तौर से लोगों के मन में, कांग्रेस के लोगों के मन में, जनता के मन में उत्साह है उनके प्रति, और मुझे लगता है उस उत्साह का इस देश में, इस पार्टी को फायदा होगा।